त्योहार का मौसम है और किसी ना किसी का आना जाना घर पर लगा ही रहता है। और सिचुएशन ये है कि आधे घंटे पहले या एक घंटे पहले आपको पता चले कि गेस्ट आ रहे हैं और घर पर कोई मिठाई नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्राई कीजिए ये इंस्टेंट लड्डू रेसिपी। आप इसे मिनिमम 10 से 20 मिनट में इसे तैयार करके रख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ममाज हाइजीनिक कैंटीन। आप सभी का रश कैंटीन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है इसे सब्सक्राइब करें, वो भी फ्री में। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेनिफिशियल लगे तो आगे से आगे शेयर करें। तो करना क्या है, चने दाल को हमें भिगो देनी है आधे घंटे या एक घंटे पहले। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो एक टिप है आपके लिए, इसे आप गर्म पानी में भिगोइएगा, जल्दी ही काम हो जाएगा। तो दाल मैंने भिगो कर रखी थी। क्वांटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमें इसकी चाशनी बनानी है, तो हिसाब से उसी के हिसाब से हमें इसकी शक्कर लेनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी की बात करूँ तो ये 250 ग्राम है, 2 कप मैंने मेज़र करके लिए थे। पानी इसका मैंने पूरा निकाल दिया है और अब हम इसे पीस लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है। और ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से होना चाहिए। पानी बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, थोड़ा थिक ही पेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जुगाड़ू तरीके से लिया है एक दूध का पैकेट। आप चाहें तो पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं चना दाल स्टफ़ कर रही हूँ, यानी कि भर रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। ऊपर से मैंने इस दूध के पैकेट को रबड़ से बांध दिया है, आप चाहें तो टैप से भी सील कर सकते हैं। नीचे को पार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा ही काटेंगे क्योंकि इससे हम बनाएंगे जलेबा। तो तेल भी गरम हो चुका है, तेल की जगह मैंने पहले बता दिया कि घी भी ले सकते हैं, गैस को मीडियम ही रखना है। अब इस तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए जलेबी की तरह छोड़ देंगे। ये बड़ी है साइज़ में, मोटी भी है, तो मैं इसे जलेबा बोल रही हूँ। इस मेथड से आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और स्वादिष्ट तो होते ही हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे उलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे और कंप्लीट ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे हो चुके हैं, अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे, उसमें ये सभी डालकर पीस लेंगे। आप इसे पल्स मोड पर पीसिएगा ताकि इसमें थोड़े थोड़े दाने भी रह जाएं। मैंने ये वीडियो को पूरा एक हाथ से कैमरा पकड़ के शूट किया है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर मेरे व्यूअर्स बहुत ही अच्छे हैं, सो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा अनदेखा कीजिए। थैंक यू। तो चलिए ये स्टेप भी पूरा हो गया, अब चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है मैंने 1.5 कप शक्कर और साथ ही ऐड किया है 1/2 कप पानी। तो मेजरमेंट ध्यान रखिए, 250 ग्राम मैंने चना दाल ली है, 1.5 कप शक्कर लिए लगभग 150 ग्राम और उसमें मैंने डाला है 50 ग्राम पानी। डिजॉल्व होने देंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ फूड कलर, आप चाहें तो फूड कलर को नहीं भी डालें। चाशनी को हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस स्टिकी हो जाए बस इतना ही पकाना है। तो ये परफेक्ट चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर और मेलन शीट्स यानी कि खरबूजे के बीज, ये ही सबसे अच्छे लगते हैं लड्डू में। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, चाशनी का जो सारा प्रोसेस है कढ़ाई रखने से लेकर गैस ऑफ करने तक सारा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करना है। इसमें हम पीसी हुई अपनी दाल डाल देंगे।
एक बार अच्छे से चला देंगे और गैस को करेंगे ऑफ। अब इसे हम 30 से 40 सेकंड तक इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि चाशनी जो है दाल में बैठ जाए। ये देखिए अच्छे से हमने चला दिए, थोड़ी सी थिक भी हो गई है। अब इसे 5 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब मैं करूंगी हाथों को ग्रीस। और ये देखिए मेजरमेंट के लिए मैंने लिया है स्पून ताकि जो हमारे लड्डू हैं सारे इक्वल शेप में बने। इस तरह से मैंने गोल गोल लड्डू बना दिए हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, डिलीशियस लग रहे हैं ना। ना घी लगा है, ना घंटों हमें खड़ा रहना है, ना ही भूनने की टेंशन है और बहुत ही ईजी तरीके से बन गए डिलीशियस लड्डू। अंदर का टेक्सचर भी देखिए बहुत ही माउथ वाटरिंग है, ये देखिए। तो देर किस बात की, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।